हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ जो कि कलेक्टिव रीडिंग है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सो कमिंग 15 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या होगा, चीज़ें किस तरीके से जाएंगी एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है आपके पाइल्स नहीं बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइव शफलिंग होगी। ओके, तो थोड़ा जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में, अगर कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, इन एंड आउट की एनर्जी चल रही है, तो उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगा। ओके, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक ऐसा टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इवन अगर आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ले के चलने की कोशिश कर रहे हो तो चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कमिंग टाइम में कन्फ्यूजन्स थोड़े कम होंगे, इन एंड आउट की थोड़ी एनर्जी कम होगी। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे बात करेगा, अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपसे नहीं करेगा। ओके, पॉसिबिलिटी है थोड़े फ्लक्चुएशंस की। और अगर आप दोनों में रिश्ते ऐसे चल रहे हैं कि कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है, तो उस सिचुएशन से भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी, मगर फ्लक्चुएशंस थोड़ा एग्जिस्ट करेगा। ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में आपको या आपके पार्टनर को। अगर आप दोनों ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से लेके चलने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें स्मूथली और पीसफुली निकल जाएंगी। समवेयर इंट्यूटिवली आपका इंट्यूटिव गट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको इंट्यूटिवली ऐसा लगेगा कि चीज़ें आप समझ पा रहे हो, चीज़ें आप देख पा रहे हो। तो पहले भी जो कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा था, उसके एग्जिस्ट करने के बावजूद भी आपको एक हैप्पीनेस टाइप का टाइम मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होंगे या सोलमेट रिलेशनशिप में होंगे, तो उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम एनर्जीज वाले लोग, सोलमेट वाले लोग, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस का टाइम आएगा। ओके, थिंकिंग की कैपेसिटी मिलेगी, सोचने समझने की क्षमता मिलेगी, एक दूसरे को समझ पाने की क्षमता मिलेगी, आपके प्रेयर्स आंसर हों, इस टाइप के चांसेस बनते हैं, आपके प्रेयर्स इफ़ेक्टिव हों, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा हो, इन सारी चीज़ों के काफ़ी चांसेस बनते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जो पूरा सिचुएशन आपका जिस टाइप का है, ओके, तो उसमें काफ़ी रिलीफ, काफ़ी अच्छा आपको महसूस हो सकता है। ओके, काफ़ी बेहतर महसूस हो सकता है, फैमिली सेलिब्रेशंस, आप दोनों का मिलना, एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करना, एक रोमांटिक टाइम शेयर करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखिए जो लड़ाइयाँ आप लोगों के बीच में होती आई हैं, अब किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी बात पे, या आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी भी उसकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपकी लड़ाइयाँ आगे भी कंटिन्यू करें और ये आपको मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टिंग फील कराएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने काम, अपने पैसे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, रादर आपका सारा फोकस इन्हीं लड़ाइयों में जमा हुआ है, ये अपने पॉइंट से शिफ्ट नहीं करने वाले या आप अपने पॉइंट से नहीं शिफ्ट करने वाले, तो वहाँ पे रिफ्ट्स आने के चांसेस हैं, दिक्कतें होने की चांसेस हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई भी मनी का लेन देन है या ऐसा कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी। जहाँ तक बात रही थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी पर्सन थर्ड पार्टी है, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो अभी नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा कम रहेगा। ओके, ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करें, बट जो जनरली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपके साइड पे एनर्जीज थोड़ी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप में रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप के सच से रूबरू होंगे। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके आँखों के सामने एकदम आ जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर्स की मैरिज और इन सारी चीज़ों की
बात चल रही हो. ओके तो किसी किसी के पार्टनर हो सकता है मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उनके तो यहाँ पे मैरिज के कार्ड्स हैं, उनके घर में किसी की शादी होना या उनके फैमिली में किसी की शादी होना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बनता है. ओके सम पीपल, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में जब आप अपने रिलेशनशिप के सच्चाई को रूबरू हो गए तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्यों आपके रिलेशनशिप में जितनी हैप्पीनेस हुआ करती थी उतनी हैप्पीनेस नहीं है, क्यों आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें रहा करती थी पहले वो नहीं है, वो हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप का जो फर्स्ट प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा था वो कहाँ गया. अगर आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जिसमें आप हो उसमें अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप एक आउटसाइडर हो या आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हो या ना हो, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लमैटिक सीन लग सकता है. बिकॉज जिन लोगों के पार्टनर इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट नहीं है, सपोज़ किसी के भी पार्टनर, यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो किसी के भी पार्टनर अगर इमोशनली उनके लिए प्रेजेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज़ आप लोगों के अंदर और ज़्यादा आएगी कि ये क्या हो रहा है. ओके ये तो और भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में बिजी है. तो बहुत सारी एनर्जीज इस टाइप की हैं जिसमें कि हो सकता है कि वो अपने ऊपर फोकस करना चाहें, अपने चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहें, उतना टाइम और उतना इंटरेस्ट आपको ना दें जिस टाइम और इंटरेस्ट का आप अपने आप को हकदार समझते हो या आप चाहते हो कि वो आपको वो टाइम और रिस्पेक्ट दें. ओके तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, वहाँ पर एक प्रॉब्लम, तो वहाँ पर एक फीलिंग आ सकती है कि भाई एनफ. ओके अगर वो पर्सन आपकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके साथ स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एक अपने ही सोसाइटी वाले इमेज को सेव करने में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी. वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भाई अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है. बट आपके रिलेशनशिप में आपके या आपके पार्टनर के घर में सेलिब्रेशन होना, ये सारी चीज़ें होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट 15 डेज में अगर आपकी और आपके पार्टनर की कोई लड़ाई होती है तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें गलत पार्ट्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे लड़ाइयाँ इग्नोर की जा सकती हैं, और उस पे आपको लड़ाइयों को इग्नोर करना पड़ेगा वरना वो एक विकराल रूप लेती चली जाएंगी धीरे धीरे करके. ओके ऐसा होगा कि वो पूरे सिचुएशन में वो और प्रॉब्लमैटिक 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 होता चला जाएगा. ओके और दिक्कतें आप लोगों की बढ़ती चली जाएंगी. तो ये एक फैक्टर है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ. ओके तो गलत हिस्से कौन से हैं लड़ाई के, वो आपको एकदम इसमें से आउट रखना है, बिल्कुल इसमें से बाहर रखना है. अगर आप इनसे मिलने जा सकते हो, अगर कोई पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो देखिए कोविड सिचुएशन अभी भी प्रेजेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर मिलने जाते भी हो तो काफ़ी प्रिकॉशन लेके जाना है एंड एवरीथिंग, सो दैट हेल्थ वाइज सेफ रहो आप. ओके तो वहाँ पे जो फैक्टर है वो ये है कि देखिए ये पर्सन कभी कभी आपको बिल्कुल आउटसाइडर टाइप का फील करा सकता है, मगर थर्ड पार्टी अटैचमेंट इस पर्सन का कम होगा थोड़ा. ओके बिकॉज इनकी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में चल रही है. बहुत ज़्यादा अगर आप या आपके पार्टनर एक दूसरे पे शक करते हो, बहुत ज़्यादा. ओके कुछ रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि पार्टनर्स एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं, तो वो चीज़ आप याद रखें कि ये ना करें. ये टाइम है एनालाइज करने का, अदरवाइज आप चीज़ों को आप लोग खराब कर सकते हो मिलके. पुरानी प्रॉब्लम्स अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ख़त्म होंगी. किसी के घर में, आपके पार्टनर के घर में या आपके घर में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो, जैसे जॉब हो गया या कोई पुरानी मेजर लड़ाई हो गई. ओके या न्यू बिगनिंग्स आप लोग लुक फॉरवर्ड करो, नई चीज़ें आप लोग शुरू करो. कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो या कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी का टाइम है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी पुरानी एनर्जीज अब आपका थोड़े समय में पीछा छोड़ने वाली है. अब इसमें भी एक फैक्टर है कि अगर आपने उस एनर्जी को जाने ही नहीं दिया तो फिर वो एनर्जी आप ही के साथ रहेगी और आप उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहोगे. तो पुराने एनर्जीज जो अब आपको कुछ सर्व नहीं करती हैं उनको जाने देने का वो लीजिए. ओके
प्रे करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। अभी आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं तो प्रे कीजिए, किसी भी टाइप का कोई भी नेगेटिव प्रेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, जस्ट बिकॉज अगर आपको आउटसाइडर टाइप का थोड़ा कनेक्शन में इश्यूज आएंगे आप लोगों के, ओके, तो अगर आप कनेक्ट हो रहे हो तो कभी कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि पता नहीं वो कनेक्शन नहीं जम पा रहा है जो आप लोगों के बीच में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, पहले से चीज़ें आप लोगों के बीच में जैसी थी वैसा नहीं लगेगा। कभी कभी आपको अपने पार्टनर का टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा अलग लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन तो आपकी सुन ही नहीं रहे। ओके, सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग यू कैन हैव। ओके, वो आपके पार्टनर अपने पूरे रिलेशनशिप में अपने सोसाइटल इमेज को, अपने फैमिली को, हर एक चीज़ को लेके चलना चाहेंगे, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हर एक सिचुएशन में आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, मगर री लुक द होल सिचुएशन, वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके इतना हो सकता है ना कर रहे हो, मगर वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हाँ, कंपैरेटिवली फेमिनिन साइड की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्गर नजर आ रही है। हो सकता है कि आप एकदम ऐसे सिचुएशन में होगा, आपको ऐसा लगता हो कि ठीक है यार, जो भी हो रहा है हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं बोलना, बिकॉज एवरी टाइम यू आर स्पीकिंग तो कोई ना कोई लड़ाई हो जा रही है, तो आप कुछ बोलने में शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ बोलने का यहाँ पे कोई फायदा है। बट ये जो भी मजबूरियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये पूरे सिचुएशन में अब सही होने वाली हैं। ओके, ये कंटिन्यू नहीं करेगी। फाइव ऑफ कप्स, जो लोग अपने रिश्ते को तोड़ के बैठे हैं, ओके, जिनके रिश्ते में ऐसे सेपरेशन वगैरह वाली चीज़ें आ रही हैं, तो उनके रिलेशनशिप में आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास जो भी था वो अभी इस पूरे सिचुएशन में नहीं है। ओके, तो ये फीलिंग आपको यहाँ पे आ सकती है कि आपके पास जो भी है वो अब आपके पास नहीं है, और आप इस चीज़ को बहुत अफसोस करोगे, बट आप उस साइकिल से निकल नहीं पाओगे। तो पेन भी एग्जिस्ट कर रहा है साथ ही साथ, मगर आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड वेज में एक्ट करना बंद कर दें, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो वैसी ही हो जाएंगी। अपने आइडियाज़ और थॉट्स को सप्रेस ना करें, अदरवाइज इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ भी बात अगर आपको अपने पार्टनर से करनी है तो आप उनसे ये बात मिल के करें। आप जो अपने मन में ये बातें रख रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद आपके कॉम्प्रोमाइज़ करते रहने से चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, तो नहीं। हाँ, अगर आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते गए करते गए करते गए तो चीज़ों का अप डाउन होने का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगा। कुछ लोग हो रहे होंगे कि किसी के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे होंगे, तो उनके भी कॉल्स वगैरह आने के काफ़ी चांसेस हैं। और जो लोग फैमिली टाइप के रिलेशन में हैं, सपोज़ आप इसी पर्सन से एंगेज्ड हो या इसी पर्सन के साथ मैरिड हो, तो उनको एक फैमिली हैप्पी टाइम मिल सकता है। जो लोग मैरिड नहीं है, एंगेज नहीं है, मगर फिर भी एक दूसरे की फैमिली से कन्वर्जेशन में है, या एक साइड की भी फैमिली से कन्वर्जेशन में है, तो वहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस मिल सकता है, सम लोन टाइम मिल सकता है जिसमें आप बैठ के एक दूसरे से बात कर सको। तो यहाँ पे दो ग्रुप की जनता निकली है जो मुझे नज़र आ रही है। एक सेट ऑफ पीपल है जिनके 15 नेक्स्ट दिनों में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी, कुछ एक सेकेंड सेट ऑफ पीपल हैं जिनके में हैप्पीनेस आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, तो उसके वजह से चीज़ें होंगी। आपको अपने ही रिलेशनशिप में काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाँ, आपके हाथ में चीज़ें हैं, ओके, और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख नहीं पाओगे। ओके, तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी जो बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, वो है कि लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स। अगर किसी के पार्टनर फ्लर्टियस हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज। ओके, फ्लर्टियस हैं या फ्लर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो वो चीज़ आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट करेगी, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, आप दोनों के लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि कमिंग टाइम में
ये जो चीज़ है जिस तरीके से चल रही है ये अच्छे से आगे आपके लाइफ में कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि फिर इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह आने हैं या कुछ भी, बट तो कुछ डिस्कवर होगा, कुछ चीज़ें, क्योंकि बार बार आपके स्प्रेड्स में कुछ डिस्कवर होने की एनर्जी आ रही है, तो कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। किसी देखिए, जिनके पार्टनर फ्लर्टियर्स हैं, जिनके पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके पार्टनर हो सकता है कि दूसरे किसी पर्सन के सामने इमोशनल एडवांसेस करें, यानी इमोशनली उनके तरफ जाएं, और ये चीज़ आपको पता भी चल जाएगी अगर ऐसा होता है तो। बट ये बस उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स फ्लर्टियर्स हैं। तो जो डिफ़िकल्टीज अभी तक आप झेलते आए वो उसमें थोड़ा राहत मिलेगा, बट ऑलवेज़ रिमेम्बर कि अगर आप इससे राहत नहीं चाहते हो तो आपको राहत नहीं मिलेगा। अगर आप अपने माइंड को पुश करते हो नेगेटिव सोचने के लिए तो आप नेगेटिव ही सोचते रह जाओगे और आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, करियर की एनर्जी आप दोनों की अच्छी चलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग अपने चीज़ों को कंटिन्यू कर पाओगे। एंड न्यू पार्टनर वाले रिलेशनशिप वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आपके पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप में चले गए हैं जिसके बारे में आपको पता है, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं। जिन लोगों के पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में नहीं गए, बस आपका रिलेशनशिप थोड़ा अप एंड डाउन के फेज से चल रहा है, तो उनको ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उनके लिए एक मीटिंग टाइम, मीटिंग, ये सारा कुछ हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स माइंड को नेगेटिविटी से सेव करने की कोशिश करें। मैंने आज के रीडिंग में कम से कम 10 बार बोला है आप लोगों को कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। ओके, किसी भी टाइप के अपने, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दूसरा पर्सन कुछ बोल रहा है, ओके, कि देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, कोई अगर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होंगे, ओके, कमिंग टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों के पार्टनर फ्लर्टी हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हैं उनको दिक्कत आएगी, बट ठीक है, फाइन, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप यूज़ कर सकते हो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काम एंड आई एम वर्दी। ओके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, रीच आउट टू समवन। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी ऐसे पर्सन को रीच आउट कीजिए जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे पर्सन को रीच आउट कर दो जो आपको भड़का दे आपके रिलेशनशिप के लिए। किसी ऐसे पर्सन को रीच आउट कीजिए जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, जो आपको सही तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। बी पॉजिटिव एंड केयर। ओके, तो केयर अपनी भी करनी है और अपने पार्टनर की भी करनी है, और पॉजिटिव रहने के लिए तो इस रीडिंग में मैंने जितनी बार बोला है शायद ही किसी रीडिंग में मैंने बोला होगा, क्योंकि अभी जिस टाइप का सिचुएशन है उसमें अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को सराउंड कर लेगी, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, तो चलिए, हमारी रीडिंग होती है कम्प्लीट। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हमारा रिश्ता बना रहे। अगर ये देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो अगर नहीं होती हैं तो आई एम सॉरी, आप कोई दूसरा वीडियो देख लें। अगर होती हैं तो आप एकदम आराम से आगे चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरे स्क्रीन पे है। अगर आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मेरे स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।